वहीं इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर इनेलो ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सुझाव भेज दिए हैं। इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता संदीप गोयत ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय और राज्यों की राजनीतिक दलों से 5 राज्यों में होने वाले सामान्य चुनावों और उपचुनावों को लेकर सुझाव मांगे थे। उन्होंने बताया कि इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर इनेलो ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सुझाव भेजे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय और राज्यों के राजनीतिक दलों से क्या सुझाव मांगे थे और इनेलो ने क्या सुझाव दिए हैं, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता संदीप गोयत से। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सामान्य चुनाव और उपचुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों से सुझाव मांगे थे और हरियाणा के इलाहाबाद उपचुनाव भी अभी पेंडिंग है। इनेलो ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या सुझाव दिए हैं, इस समय मेरे साथ हैं इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता संदीप गोयत, इनसे जानते हैं कि इनेलो की तरफ से क्या सुझाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया गया है। जी अनिल जी, 9 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक पत्र जारी किया, उसके अंदर सभी राजनीतिक पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां, प्रदेश की राजनीतिक पार्टियां, उन सब से एक सुझाव मांगे गए कि जो उपचुनाव होने थे मई के महीने में और जो आने वाले 5 राज्यों के जो चुनाव हैं 2021-22 में जो ड्यू पड़े हैं उनके लिए उन्होंने सुझाव मांगा। हमारी पार्टी को जैसे ही हमने पत्र मिला तो हमने उसके ऊपर सुझाव दिए। सुझाव में सबसे पहले तो बात हमने ये रखी कि देखिए, जब 5 मई 2021 को आपने इन राज्यों के अंदर बाई इलेक्शन होने थे उनका ये हवाला देकर आपने रोक लगा दी कि यहाँ कोरोना वायरस फैला हुआ है, ये एक स्पष्ट सी स्थिति थी क्योंकि उस समय हरियाणा में 16,000 पेशेंट डेली निकल रहे थे। तो स्वाभाविक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जैसे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अंदर कई ऐसे पिटीशंस डली, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक कदम उठाना पड़ा। और परंतु हमने ये सुझाव दिया कि आज हरियाणा प्रांत के अंदर लगभग 20 से 22 पेशेंट पूरे हरियाणा के अंदर डेली आ रहे हैं और समय स्थिति 16,000 पेशेंट की थी, तो आज स्थिति में बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट है। और ये भी हमने सुझाव दिया कि पिछले लगभग 15 दिनों में सिरसा जिला के अंदर एक भी कोई कोरोना का एक्टिव पेशेंट नहीं आया है, तो आज ये सबसे बढ़िया स्थिति है, चुनाव को जल्द से जल्द वहाँ पर करवाया जाए, नहीं तो जो चर्चा है तीसरी वेव आने की तो उसका हमें इंतजार ना करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तुरंत चुनाव कराए जाने चाहिए। दूसरा सुझाव हमने उनको ये दिया कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लगता है कि भाई प्रदेश के अंदर बीमारी ना फैल जाए, तो हमने रिक्वेस्ट की है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि जो सेंटर के जो मिनिस्टर हैं और जो अन्य प्रांतों के मिनिस्टर हैं, अन्य प्रांतों के लीडर हैं, जो चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के हो, उन सब की इलाहाबाद हलके के अंदर एंट्री को बैन किया जाए। इसके अलावा हमने एक और रिक्वेस्ट करी, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज के अदर स्टेट्स के लीडर हैं और डिस्ट्रिक्ट के बिलोंग करते हैं उनको सिरसा जिला के अंदर आने से रिस्ट्रिक्ट किया जाए ताकि कोरोना की महामारी का फैलाव ना हो। होता क्या है अनिल जी कि हम ट्रेस नहीं कर पाते, वहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल इलाहाबाद के लोगों को तो ट्रेस कर लेगा, सिरसा जिला को ट्रेस कर लेगा क्योंकि वहाँ पर 0 पेशेंट पिछले 15 दिन में आ रहे हैं। एक सुझाव और हमने ये दिया, जो पब्लिक मीटिंग जो पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं उन पॉलिटिकल पार्टीज की पब्लिक मीटिंग को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, नंबर्स में कम किया जाए। इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार की जो प्रचार के माध्यम हैं उनको डायरेक्ट लोगों के घर तक पहुंचने से रोकना चाहिए, नहीं तो वो एक प्रकार से फैलाव का काम करते हैं। और जो ईवीएम मशीनें हैं, ईवीएम मशीनों के हमने एक ये सुझाव भी दिया कि अगर आप चाहें तो ईवीएम मशीन को रिप्लेस करके आप बैलेट बॉक्स से भी करवा सकते हैं, क्योंकि ईवीएम मशीन में हम थंब इम्प्रेशन देते हैं तो वो थंब से टच करने से कोरोना का भी फैलाव हो सकता है, तो वहाँ पर बैलेट बॉक्स की व्यवस्था अगर पॉसिबल हो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हमने डिजायरेबल कंडीशन में माना। और हमने ये कहा कि आप जो जितने भी बूथ हैं हर बूथ के ऊपर आपको सैनिटाइजेशन करना चाहिए और ईवीएम मशीन के बराबर में एक सैनिटाइजर मशीन रखनी चाहिए, हैंडवाश रखना चाहिए। और इसके अलावा जो वोटिंग का टाइम पीरियड है अनिल जी, उस वोटिंग के टाइम पीरियड को लगभग 2 घंटे और बढ़ाया जाना चाहिए ताकि वहाँ पर बूथ के ऊपर क्राउड ना हो। ये थे मेरे साथ इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता संदीप गोयत, इन्होंने बताया
कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सभी पॉलिटिकल पार्टी से सामान्य चुनाव और उपचुनाव को लेकर सुझाव मांगे थे, जिसको देखते हुए इनेलो ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सुझाव भेज दिए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।